अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड स्टाइल कॉर्नर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो है बहुत ही स्पेशल। और स्पेशल क्यों है ये मैं चल के बताती हूँ आपको आगे। फ़िलहाल तो हम यहाँ पर बना रहे हैं मैक्रोनीज, और उसके लिए मैंने जो है सारी वेजीज जो हैं वो कट कर ली हैं, और तमाम सामान भी जो है मैंने वो यहाँ पर निकाल कर रख दिया है। और चिकन भी हमने ले लिया है स्ट्रिप्स की शक्ल में। तो सबसे पहले जो है मैंने ऑयल थोड़ा सा गर्म किया है, उसमें जो है मैं चॉप लहसुन डाल दूंगी। ये थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ लहसुन है, और इसको जो है मैं कड़ाऊंगी। उसके बाद जो है इसको हल्का सा हम जो है वो सौते करेंगे, और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे चिकन। जब तक ये काम हो रहा है तो वो तमाम लोग जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज हमारा इरादा था पार्टी करने का। और पार्टी क्यों थी? इसलिए कि हमारी सिस्टर की जो है वो शादी हो रही है, तो उसी सिलसिले में बस यूँ ही एक छोटी सी पार्टी रखनी थी। तो हमने जो है वो सोचा कि क्यों ना उसको जो है वो ब्राइडल शावर का नाम दे दिया जाए। और बस उसी सिलसिले में जो है ये थोड़ी बहुत तैयारी हो रही है। इसके अलावा भी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन मैं जो है वो इसी की वीडियो शूट कर पाई, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी थी। तो यहाँ पर जो है हमने अब इसमें चिकन भी ऐड कर दिया है, और चिकन को जो है वो ये बहुत जल्दी से जो है वो गल जाएगा, लेकिन इसको जो है इसका पानी खुश होने तक हम इसको जो है वो पकाएंगे तेज़ आँच पर। दूसरी तरफ जो है मैंने एक प्याले में टोमेटो केचप ले लिया है। 4 टेबल स्पून टोमेटो केचप है, उसमें जो है वो मैं डालूँगी सिरका। सिरका जो है वो 2 चम्मच डालूंगी। इसके अलावा सोया सॉस है वो भी 2 चम्मच डालूंगी, और इसके अलावा चिली सॉस है वो भी, और हम इसमें ऐड करेंगे इसके अलावा रेड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर। थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट जो है वो ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी इन तमाम चीज़ों में जो है वो सॉल्ट होता है। तो लास्ट में जो है हम एक बार से वो उसको टेस्ट करके उसके हिसाब से फिर जो है हम अपने सॉल्ट की कमी या बेशी को पूरा कर लेंगे। इसी तरह से जो है वो छोटी छोटी घर में पार्टीज करके भी जो है वो तमाम इवेंट्स को मनाया जा सकता है। और हमने जो है वो बिल्कुल गैर इरादी तौर पर ही ये इवेंट मनाया, और बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा भी आया। यहाँ पर जो है मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, और दूसरी तरफ जो है चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं अब चिकन को जो है वो तेज़ आंच पर जो है वो फ्राई कर रही हूँ, ताकि ये बहुत ज़्यादा पानी ना छोड़े और गल जाए। इसके अलावा भी जो है वो चीज़ें तैयार हो रही थी, और उसमें शामिल थी चना चाट, और इसके अलावा समोसा चाट भी थी। इसके अलावा हम लोग जो है वो केक लेकर आए थे, और चीज़ें हमने जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं तैयार की थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, थोड़े थोड़े ही खाते हैं। तो उसी हिसाब से जो है हमने चीज़ें बना ली थी, तो बेहतर है कि ज़ाया ना हो, इसीलिए जो है वो कम बना लिया जाए। तो यहाँ पर जो है चिकन हमारा जो है डन हो चुका है, तो मैंने अब उसमें जो है ये पेस्ट ऐड कर दिया है। इसमें जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कॉर्नस भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा जो है कुछ दूसरी चीज़ें भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ वेजीज और चिकन का ही इस्तेमाल किया है, और मैंने इसमें जो कैरेट्स हैं वो जो कि लंबाई में कटिंग की हुई हैं, इनको जो है मैंने पहले ही ऐड कर दिया है, ताकि ये गल जाएँ, क्योंकि कैरेट्स जो हैं वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो कैरेट्स को ऐड करने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट इसको जो है वो फ्राई किया, और उसके बाद जो है मैंने इसमें कैबेज और कैप्सिकम भी ऐड कर दी है। इन सब्जियों को जो है बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट सौते करना है। और टोमेटोज़ जो है मैंने बचा लिए हैं, लेकिन ये टोमेटोज़ जो है मैंने बाद में भी ऐड नहीं किए थे। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग डालें, आप लोग जो मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी है। सब्जियों को तकरीबन मैंने 1 ही मिनट जो है वो स्टर फ्राई किया है, और अब उसके बाद जो है मैं इसमें मैक्रोनीज ऐड कर दूंगी। और मैक्रोनीज जो है हमने पहले ही बॉईल करके रख ली थी, और इसके पानी में भी जो है मैंने सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था, बट उसके बाद जो है मैं इस पर पानी डालना भूल गई, तो ये जम गए थे। बट इट्स ओके, हमने इसको 1 से 2 मिनट जो है वो दम पे रखना है, तो ये सारे जो है वो खुल जाएंगी इस तरह से।
यहाँ पर जो है मैंने तमाम मसाले को जो है मैक्रोनीज के साथ जो है मिक्स कर दिया है हल्के हाथ से। और बस इसको मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट जो है वो आप इसको दम पे रख दें। तो यहाँ पर जो है हमारी मैक्रोनीज हो गई है तैयार। और मिक्स जो है आपने बिल्कुल हल्के हाथों से करना है ताकि मैक्रोनी जो है वो टूटी नहीं। यहाँ पर जो है मैंने इसको दम पे बिल्कुल हल्की आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए रख दिया था। और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने। और मैंने ये जो है ये मैक्सी सेलेक्ट की है पहनने के लिए, और पीच और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में बहुत ही प्यारी सी ये मैक्सी है नेट की। और ये है माशाल्लाह सी जनाब ब्राइड टू बी का ड्रेस, उनकी भी मैक्सी है और ये है पीच और कॉपर कलर में। तो बस अब जल्दी से जो है वो तैयार होते हैं और चलते हैं केक लेने के लिए। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और केक जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर गैस कीजिए हमने कौन सा केक सिलेक्ट किया होगा। तो जनाब केक हमने सिलेक्ट किया है ये पीच, और ब्राइड का जो एड्रेस है वो भी पीच कलर का था, तो इसी तरह से मैं हमने जो है वो केक भी पीच में लिया है। यहाँ पर अब हम जल्दी जल्दी जो है वो घर जा रहे हैं ताकि जो है वो पार्टी का बाकायदा आगाज़ किया जाए। घर हम पहुंच चुके हैं और ये है फाइनल लुक हमारी तमाम डेकोरेशन की। और कोई बहुत ज़्यादा बड़ी इस तरह से पार्टी नहीं थी, बस घर में ही एक छोटी सी गेट टुगेदर हमने रखी थी। थोड़े से बलून्स लगा लिए थे और ये जो आप पीछे कार्ड शीट देख रहे हैं इस पर लिखा हुआ है ब्राइडल शावर। और इस तरह से चेयर्स रख ली थी और काफ़ी अच्छा सा जो एक माहौल बन गया था। और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ तमाम खाने की फाइनल लुक। तो ये है जी हमारी मज़ेदार सी यमी चना चाट, और उसके अलावा जी वो केक है और ये है मैक्रोनीस। मैक्रोनी के अलावा यहाँ पर जो है वो हलीम भी है, और हलीम जो है ये घर का बना हुआ नहीं है, ये बाहर से आया था। और ये जो है ये बनाई है समोसा चाट, और ये ब्राइड ने ही बनाई है और फर्स्ट टाइम बनाई है और बहुत ही ज़्यादा यमी थी। उसके साथ उन्होंने बनाई है ये तीन तरह की जो है वो चटनी है। इसके अलावा जी थी चाय, और चाय जो है हमने वो फिर बाद में पी। तो बहुत ही मज़े की ये पार्टी रही। और इस पार्टी में वैसे तो मर्दों का आना मना है, लेकिन हमारे यहाँ जो है अब्बू हमारे थे और भाई भी आ गए थे। तो अब जो है पार्टी होने के बाद यहाँ पर हमने क्लिक की हैं कुछ पिक्चर्स, और बड़े मज़ा आया यहाँ पे पिक्चर्स लेने का। सबसे ज़्यादा जो है हमने ब्राइड की पिक्चर्स ली। और बस ये छोटी छोटी यादें ही हैं जो रह जाती हैं, और उसके बाद इंसान को देखता है और खुश होता है। ये एक छोटा सा क्लिप जब वो केक कटिंग कर रही थी। केक भी जो है बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और यहाँ पर जो है वो पार्टी ऑन है और सब लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद जो है ये है बेट जो कि आई थी, उसके साथ साथ उसका क्लिप बनाने में भूल गई थी। तो बस आज की मेरी से भी आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो थम्स अप दे दीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।